एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी नेचर वर्षा। आज मैं आप लोगों के साथ में खादी के एक फेस वॉश का रिव्यू प्लस डेमो करने वाली हूं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन होगी उसे क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि मैं जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो डालूंगी उसे सबसे पहले आप अपने फोन पर देख सकोगे। गाइस, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ में खादी के किस फेस वॉश का रिव्यू करने वाली हूँ। सो गाइज, मेरे पास है यहाँ पर खादी का नीम फेस वॉश। आप देख सकते हैं इसके ऊपर मेंशन किया गया है खादी हर्बल फेस वॉश नीम। ये कुछ इस तरह का है देखने में, आप देख सकते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट बोतल है जिसमें से हमारा प्रोडक्ट साफ दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। ये मुझे किसी भी तरह के डब्बे में या फिर बॉक्स में पैक करके नहीं मिला था, ये मुझे खाली इसी तरह से बोतल में मिला था। प्लास्टिक की ये बोतल है जिसके ऊपर ये कैप दी गई है, टिकटैक वाली ये कैप है। इसकी कैप भी प्लास्टिक की ही है। सो गाइस, इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है ये बोतल जिसमें से हमारा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। डार्क ग्रीन कलर का इसमें हमारा प्रोडक्ट है बिकॉज ये नीम फेस वॉश है और नीम की जो पत्तियां होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है। सो इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी डार्क ग्रीन कलर का है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। 180 रुपीज इसका प्राइस है। 2 ईयर इसकी सेल्फ लाइफ है। 210 ml इसकी क्वांटिटी है। 180 रुपीज में आपको 210 ml का ये प्रोडक्ट मिल जाता है। सो गाइस, इसमें नीम ऑयल ऐड किया गया है, टी ट्री ऑयल ऐड किया गया है, एलोवेरा जेल ऐड किया गया है, जो कि ये सभी चीजें आपके फेस से पिंपल्स को रिमूव करती है, एक्स्ट्रा ऑयलनेस की प्रॉब्लम को रिमूव करती है। ये आपके फेस से पिंपल मार्क्स को रिमूव करता है, एक्ने मार्क्स को रिमूव करता है, ये आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयलनेस की प्रॉब्लम को रिमूव करता है बिकॉज इसमें नीम ऑयल ऐड किया गया है, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट होता है। अगर आपके फेस पर भी आपके टी जोन एरिए पर यहाँ पर ऑयल की प्रॉब्लम रहती है तो ये उन सभी प्रॉब्लम को रिमूव कर देता है। बिकॉज ऑयली स्किन वालों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनके फेस पर ऑयल रहता है, जिसकी जैसे उनके जो पोर्स होते हैं उनमें धूल मिट्टी इकट्ठा होती है, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और जब आपके फेस से पिंपल्स रिमूव होते हैं तो वो इतने गंदे वाले निशान छोड़ करके जाते हैं कि वो जल्दी से जाने का नाम नहीं लेते। सो गाइस, इसलिए ऑयली स्किन वालों को नीम से रिलेटेड, नीम से बने हुए प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, जिससे कि उनकी ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसे एक्ने प्रोन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं बिकॉज इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया है, ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। सो खादी जो है वो 1963 से चला आ रहा है, बहुत ही पुराना ब्रांड है खादी। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो 100% प्योर हर्बल प्रोडक्ट होते हैं। इसके सारे प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं होता है। सो अगर आप टीनेजर्स हैं और या फिर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव स्किन है, तो अगर आपके लिए कोई भी प्रोडक्ट आपको चूज करना हो तो आप आंखें बंद करके खादी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं बिकॉज इनमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं होता है। सो गाइस, इस तरह से इसे ऑयली स्किन वाले, सेंसिटिव स्किन वाले, एक्ने प्रोन स्किन वाले यूज कर सकते हैं। ड्राई स्किन वालों के लिए ये नहीं है बिकॉज ड्राई स्किन वाले इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो नीम है, टी ट्री ऑयल है, एलोवेरा जेल है, ये सब चीजें जो है आपके फेस से एक्स्ट्रा ऑयलनेस को रिमूव करती है। सो ड्राई स्किन वालों की स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है, तो इसे यूज करने के बाद आपकी स्किन और भी ज्यादा ड्राई हो जाएगी। सो इसलिए ड्राई स्किन वाले इसे यूज ना करें। इसे नॉर्मल स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं। सो इस फेस वॉश को आप समर्स और विंटर्स दोनों ही सीजन में यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इसे लेडीज और जेंट्स दोनों ही यूज कर सकते हैं। सो गाइस, ये बहुत ही छोटी सी एक बोतल है जिसे आप इजिली अपने हैंडबैग में कैरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मैशी नहीं होगा बिकॉज जो इसकी कैप है वो टिकटैक वाली है। सो ये गाइस मैशी नहीं होगा बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं इसकी जो कैप है वो बहुत ही ज्यादा टाइट है और इजी ओपन भी हो जा रही है। सो इसलिए आप इसे अपने हैंडबैग में भी कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह का प्रोडक्ट निकलता है। आपको बहुत ही थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, ये थोड़ा सा प्रोडक्ट ही आपका आपके फेस को कवर कर देगा। आप देख सकते हैं ये इस तरह का जेल है, ट्रांसपेरेंट जेल है ये डार्क ग्रीन कलर का। फ्रेग्रेंस की अगर बात करें तो थोड़ी सी कड़वी सी इसकी फ्रेग्रेंस है बिकॉज जो इसमें नीम के पत्ते यूज किए गए हैं उसकी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस, थोड़ी सी कड़वी सी फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें से नीम की। सो
कोई बात नहीं, अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब आप इसे अपने फेस से वॉश कर लेंगे उसके बाद आपको इसकी फ्रेग्रेंस नहीं आएगी। मैं इसे अपने फेस पर ही अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये आपके फेस से मेकअप को भी रिमूव कर देता है। आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पर मेकअप किया हुआ है, सो आप खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से कि ये किस तरह से आपके फेस से मेकअप को रिमूव करता है या नहीं करता है, ये आपके फेस को डीप क्लीन करता है या नहीं करता है। सो गाइज अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने वाली हूं। अब मैं अपने फेस को क्लीन करके आती हूँ। सो गाइज मैं दिखाती हूँ आपको कि इसका रिजल्ट किस तरह का है। आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने मेरे पूरे मेकअप को क्लीन कर दिया है। इसने एक ही बार में मेरे पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, मेरे पूरे मेकअप को निकाल दिया है। सो गाइज ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, आपके फेस से मेकअप को निकाल देता है। अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप किया है तो भी ये आपके फेस से मेकअप को निकाल देगा, बिकॉज जो मेरा मेकअप था वो वाटरप्रूफ था। सो इसलिए इसने एक ही बार में मेरा पूरा मेकअप निकाल दिया है। आपको अगर इसे यूज करना है तो आपको मेकअप रिमूवर को अलग से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने फेस पर मेकअप किया है तो। सो गाइज ये आपके फेस से धूल मिट्टी को निकाल देता है, बिकॉज ये आपकी स्किन को गहराई से साफ करता है, डीप क्लीन करता है आपकी स्किन को। सो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है आपके लिए, समर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप इसे जरूर परचेस कीजिए, बिकॉज मेरी तरफ से तो ये 100% सही है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे परचेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो गाइज यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।